आपके प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके के वह मान ज्ञात करने है, के का मान ज्ञात करना है जिसके मूल वास्तविक हो और कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं, जब डी का मान किसमें आए, प्लस में। अब प्लस में आए तो प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 यानी के का मान किससे, मतलब डी का मान किससे बढ़ाना चाहिए, 0 से। अब देखो वही काम करेंगे सिंपली जो अपन पहले करते थे, आपका सूत्र वही होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है सूत्र। पहले कुछ नहीं करना है, पहले वो नॉर्मल मान निकालो। बताओ एबीसी का मान चाहिए, बताओ ए का मान कितना, ए बराबर कितना, के। बताओ बी का मान कितना, बी बराबर, और सी का मान कितना, एक। एक्स स्क्वायर के जो भी गुणा में वो ए होता है, एक्स के जो भी गुणा में वो बी होता है, और जो अकेला है वो क्या होता है, सी। निकाल लिया, अब इन मान को रख दो सूत्र में। देखो सबसे पहले बी स्क्वायर, मतलब बी का मान कितना, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान के इंटू सी का मान 1। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 4 को 1 से किया तो, और 4 को कैसे किया तो, 4 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों में से कोई चीज समान है, कॉमन आ रही है क्या, कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 4 का भाग दे कितना बचा, 1। 4 का भाग दो कितना, माइनस का के, केवल के, 4 से 4 कैंसिल क्या बचेगा, तो बताओ ये किसका मान आ गया, डी का। किसका मान आ गया, डी का। अब वहां देखेंगे मूल कैसे है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। अब देखो यहाँ मूल है आपके कैसे, वास्तविक, वास्तविक तथा कैसे है, भिन्न भिन्न। अब देखो अगर मूल वास्तविक हो और कैसे हो, भिन्न भिन्न, तो देखो क्या होना चाहिए, डी का मान क्या आना चाहिए आपके पास, 0 से बड़ा। डी का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। तो लिखेंगे देखो डी होना चाहिए, डी बड़ा है किससे, 0। डी का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। अब बताओ डी का मान कितना आया, ये वाला आया। इस डी के मान को कहां रखेंगे, डी की जगह पे रख देंगे। बताओ डी की जगह रखेंगे तो देखो क्या है, 4 कोष्टक 1 माइनस के बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। सबसे पहले 4 काय में है, गुणा में, 4 काय में है, गुणा को किस में भेज देते हैं, भेजो 1 माइनस के बड़ा है 0, और बटे में कितना आएगा, बताओ ये 4 बटे में आएगा, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसको हटा दूं मैं यहां से, हटा दिया। अब देखो मान किसका पता करना है, के का, तो इस ए का उधर पक्षांतरण कर दो, इधर प्लस में है उधर काय में जाएगा, या फिर के का पक्षांतर कर दो, उधर के इधर माइनस में उधर जाते किसमें जाएगा, प्लस में, या ए का कर दो, बात एक ही है। तो देखो यहां से उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो के को भेज दो उधर, 1, और ये बड़ा है, के को उधर भेजो क्या हो जाएगा, के, प्लस का के। अब देखो आपके जो भी मान आएगा, मतलब किसका, के का, वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बताओ बड़ा होगा या छोटा होगा, 1 बड़ा है किससे, के से। मतलब जो भी के का मान आएगा 1 से क्या आएगा, आपके बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या छोटा आएगा, बताओ। देखो यहाँ रखेंगे मान, यहाँ रखेंगे, देखो 1 आया, 1 और 1 कितना, 0, और 0 में किसका, किससे गुणा किया, 4 से, तो क्या हो जाएगा पूरा समीकरण, 0 हो जाएगा, और 0 इधर भी क्या है, 0। जैसे मान लो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो बताओ 2 आया तो क्या हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 1 माइनस का, और माइनस के 1 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो संख्या किस में आ जाएगी, माइनस में, किस में आ जाएगी। तो आपके जो भी के का मान आएगा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, क्या आएगा, छोटा। तो क्या लिखोगे, के का मान क्या लिखोगे, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, 1 से कैसा होगा, छोटा। अब जैसे 1 से छोटा होगा
तभी तो ये आगे वाला मान किस में आएगा, प्लस में। अब देखो यहाँ जैसे एक होता तो एक, एक में से एक गया तो जीरो, और जीरो को चार से गुणा किया तो क्या आता था, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो मूल कैसे हो जाते, वास्तविक और बराबर हो जाते। लेकिन अपने को अलग अलग अंक लाने चाहिए, मतलब आगे वाली संख्या किस में आनी चाहिए, प्लस में। जैसे के का मान दो आया तो यहाँ दो, बताओ दो में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, एक बचेगा ना, और काहे का बचेगा, एक को चार से गुणा करो कितना आएगा, माइनस। तो संख्या किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो उसका कोई हल ही नहीं होता। देखिए अपने को इधर आगे संख्या किस में लानी है, प्लस में। अब जैसे एक से कम रखा मैंने, मान लो पॉइंट पांच रखा, पॉइंट पांच को एक में से घटाओ कितना बचेगा, पॉइंट पांच बचेगा, आधा बचेगा, और आधा काहे का बचेगा, प्लस का। आधे को दो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। आधे को मतलब चार से गुणा करें कितना हो जाएगा, दो, और दो किस में आएगा, तो समझ गए, के का मान एक से क्या आएगा, छोटा। के का मान एक से क्या आएगा, अब ये वाला देखो, इधर देखो, इसमें समझ में नहीं, इधर देखना, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां तक तो वैसा का वैसा ही होगा, बाकी इन चिन्हों पर विशेष ध्यान रखना है। देखो यहाँ सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना है, ए का मान कितना, ए बराबर कितना, के, बताओ बी का मान कितना, छ, और सी का मान कितना, एक। सूत्र क्या है आपका, बी स्क्वायर बराबर, सॉरी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार इंटू ए सी, बताओ बी का मान कितना, छ का स्क्वायर माइनस चार का, ए का मान कितना, सी का मान कितना, एक, हो गया। छ का स्क्वायर कितना, छत्तीस, माइनस चार को एक से चार, और के का चार, के दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, कितना आ रहा है, चार का भाग इसमें जाएगा, चार का भाग, ये चार कॉमन ले लो यहाँ से, नौ चौके माइनस, बताओ यहाँ चार से चार कैंसिल क्या बचा, तो बताओ किसका मान आ गया, डी का। अब मूल कैसे है, वास्तविक और भिन्न भिन्न, क्या लिखेंगे, मूल जो है वो कैसे है, वास्तविक है और कैसे है, भिन्न भिन्न है। बताओ अगर वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो डी किससे बड़ा होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए जीरो से, डी किससे बड़ा होना चाहिए। अब बताओ डी का मान क्या आया, ये यहां रखेंगे, रखो चार कोष्टक नाइन माइनस के किससे बड़ा होना चाहिए, कुछ भी नहीं किया, ये डी, डी की जगह डी का मान रखा। बताओ चार काय में है, गुणा में, काय में, तो गुणा वाले कहां भेज देंगे, बताओ भाग में जाते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि चार का भाग जीरो में देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ बताओ आगे क्या बचेगा, नाइन माइनस के बढ़ाए किससे, जीरो से। अब इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज दो, बताओ किसको भेजेंगे, के को भेज दो चाहे इसको भेज दो, बात है कि अगर ये उधर इधर माइनस में उधर जाते किसमें हो जाएगा, तो ये हो गया नाइन नाइन और बढ़ाए किससे, के से, ठीक है ना। अब देखो के का मान नौ से बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, यहां रख के देख लो, अगर मान लो के का मान नौ आया तो नौ में से नौ गया तो कितना, और जीरो को चार से गुणा करो कितना आ जाएगा, तो जीरो आते अपने मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन मूल कैसे हैं, भिन्न भिन्न। तो मान किस में आना चाहिए, प्लस में, प्लस में आना चाहिए ना। तो बताओ के का मान में से नौ से ज्यादा रखे, दस रखे, यहाँ दस रखे, दस को नौ में से घटाओ कितना बचेगा, काय का बचेगा, और माइनस के एक को चार से गुणा करो क्या आएगा, माइनस में आएगी संख्या, और माइनस में आएगी तो आंसर नहीं आएंगे, तो किस में आने चाहिए, प्लस में। मतलब जैसे मैंने, अब देखो नौ से कम रखो, आठ रखो, आठ रखा मैंने तो बताओ नौ में से आठ गया तो एक को चार से गुणा किया तो किस में आ गया, उत्तर प्लस में आता है, तो कैसे होते हैं, तो बताओ के का मान क्या आएगा, नौ से छोटा, यहां लिखेंगे के का, यहां लिखेंगे के का मान क्या आएगा बेटा, नौ से कैसा होगा, नौ से छोटा होगा। लेकिन देखो अपना ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, नौ बड़ा है किससे, कैसे, जो गलत दर्शा रहा है, छोटा होना चाहिए ना। तो बताओ चिन्ह को क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, कैसे, यहाँ क्या लिख दोगे, नौ छोटा है किससे, कैसे, यहाँ पे भी ये करना है, यहाँ पे भी, मतलब इस चिन्ह को पलट दोगे, एक छोटा है किससे,
देखिए इसे, ये पलटा क्यों? क्योंकि अपने उधर क्या किया, पक्षांतरण, और पक्षांतरण करने पर ये चीज अपन ने पलटी है। आगे बात समझ में? यस यस। अब देखो लास्ट, ये तीसरा वाला, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, ए बी और सी का मान पता करना है, ए बी सी का मान। तो ध्यान दो इधर, देखो अभी तीसरा क्वेश्चन वही, ए बी और सी का मान पता करेंगे। ए बराबर कितना है, देखो एक्स के गुणा में कुछ नहीं है तो एक, बताओ बी का मान कितना है के, बताओ सी का मान कितना है सी बराबर है, बताओ सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार इंटू ए सी। देखो यहाँ बी का मान के स्क्वायर चार का, इंटू ए का मान एक, इंटू सी का मान नौ, के स्क्वायर का तो नौ चौके 36। अब देखो ये आया आपका, तो चाहे तो इसको ऐसे रहने दो, अगर ऐसे नहीं रहने दो थोड़ा चेंज कर लो। चेंज कैसे करोगे बताओ, के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं कैसे, के स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिखते हैं, छ का स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं, छ का स्क्वायर कितना, और के का स्क्वायर कितना, के स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बताओ कैसे लिखते हैं, एक बार तो प्लस में और एक बार लिखते हैं सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी पोजीशन आ जाए तो इसको लिखते हैं एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे लिखते हैं ना, तो लिख लो एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। बताओ इसको कैसे लिखें, के प्लस कितना छ और के माइनस कितना छ, तो डी, डी के दो मान आए, एक बार तो ये और एक बार ये। अब बताओ मूल कैसे है, कहाँ पे, यहाँ, अच्छा माइनस में, कोई बात नहीं स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर होते माइनस का किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ से देखो क्या नाम है, मूल कैसे है, मूल आपके कैसे है, वास्तविक, वास्तविक और कैसे है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न। बताओ अगर मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है तो डी का मान किससे बड़ा होगा, जीरो से। क्या लिखेंगे, डी बड़ा है किससे, जीरो से। तो बताओ डी का मान क्या है, ये दोनों आए तो इनको लिखो यहाँ पर, के प्लस छ एक तो ये आया और के माइनस छ बड़ा है किससे, तो इन दोनों को अलग अलग लिखो, दोनों को एक एक बार, एक बार जिसको लिखो के प्लस कितना छह बड़ा है किससे, जीरो से, एक बार ये लिखो और एक बार ये लिखो, के माइनस छह बड़ा है किससे, जीरो से। अब देखो यहां से दोनों में से किसी एक को उधर भेजो, किसको भेजेंगे, छह को भेज दे तो के, बताओ छह उधर इधर प्लस में उधर जाएगा तो छह माइनस कितना, सॉरी के माइनस कितना छह। अब यहां देखो के इस माइनस को उधर भेजेंगे किसमें जाएगा, प्लस का छह, तो यहाँ दो स्थितियां आ गए आपके। बताओ देखो इधर जब प्लस में था उधर काय में भेजा, माइनस में भेजते चिन्ह चेंज कर दो आप, ये इधर घुमा दो इसको, ये बड़े वाले माइनस कितना अच्छा, तो के का मान जो होगा वो माइनस छह से क्या होगा, छोटा, माइनस छह से क्या होगा, और के का मान प्लस के छह से क्या होगा, बड़ा, प्लस के छह से तो होगा बड़ा और माइनस के छह से होगा छोटा। तो यहाँ लिखोगे के का मान माइनस छह से कैसा होगा, माइनस छह से होगा छोटा, और के का मान क्या होगा, छह से बड़ा। अब रखे देख सकते हैं मान, देखो यहाँ पर, यहाँ ये देखो यहाँ कहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखो, अगर मैं यहाँ छह रखूं, देखो प्लस के छह या माइनस के छह, तो छह से कितने होते हैं, छत्तीस में छत्तीस कटाएंगे तो जीरो, जीरो बचेगा, यदि जीरो बचेगा तो उत्तर कैसे आएंगे, समान आएंगे, लेकिन उत्तर कैसे आने चाहिए, भिन्न भिन्न। देखो यहाँ माइनस के छह से कैसा होना चाहिए, बताओ छह से छोटा कौन होगा, बताओ माइनस छह से छोटा कौन सा नंबर होगा, बताओ माइनस छह से छोटा कौन सा होगा, माइनस का छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा, माइनस का सात छोटा होगा, माइनस का आठ फिर छोटा होगा, ऐसे मतलब माइनस पांच छोटा नहीं होगा, माइनस पांच तो छह से क्या होता है, बड़ा, फिर माइनस चार क्या होता है इससे, बड़ा,
उधर चलते तो बढ़ती जाती है। तो बताओ अगर मैं यहाँ सात रखूं तो सात उन सात उनपचास, उनपचास को छत्तीस में घटाएंगे संख्या किस में आ जाएगी, प्लस में। तो बताओ माइनस छह से क्या होगा, छोटा, और प्लस के छह से क्या होगा, बड़ा। आए समझ में, उतारो।